ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। आज का टॉपिक बेहद खास और अनोखा है। इस पर शायद आपने कहीं चर्चा में सुना होगा या देखा होगा। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको योगिनी दशाओं के बारे में सबसे खास और दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। योगिनी दशा की तीन दशाओं के बारे में तो पंडित जी ने आपको ब्रेक से पहले बता दिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की चौथी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और इस दशा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की चौथी दशा कौन सी है? चौथी दशा है योगिनी की भ्रामरी। योगिनी दशा की चौथी दशा है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब ही होता है भ्रम से युक्त। भ्रम किसी चीज का होना अच्छी बात नहीं है। भ्रम मतलब आप दुविधा में हैं, जो सच है वो आप नहीं जानते, जो असत्य है वही आप जानते हैं। भ्रम का मतलब ही यही होता है। और भ्रामरी का मतलब है कि आपको भ्रम के चक्कर में डाल दे। ये चार वर्ष की दशा होती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो क्रूर ग्रह है, जिनका जन्म अश्विनी, अश्लेषा और अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भ्रामरी ही होती है। भ्रामरी दशा को अशुभ ही माना जाता है, ये अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस दशा में अगर शुभ अंतरदशा चले तो पूरे चार साल व्यक्ति को अशुभ प्रभाव नहीं मिलते। जैसे इसमें मंगला की दशा आ जाएगी, धान्या की दशा आ जाएगी, सिद्धा की दशा आ जाएगी, तो वो दशाएं नुकसानदेह नहीं होंगी। लेकिन भ्रामरी दशा में व्यक्ति को अलग अलग कारणों से काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, लेकिन यात्रा में तकलीफें मिलती हैं, यात्रा में कष्ट होते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस दशा में व्यक्ति नौकरी में बदलाव करता है। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल दुर्बल है, अस्त है, नीच राशि में है, और उनके लिए तो ये भ्रामरी दशा जो है प्राणघातक होती है। अग्नि से, विस्फोट से, बारूद से, बम से, बिजली से, आकाशीय बिजली से मृत्यु तक का भय होता है जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब हो। हाँ, अगर मंगल अच्छा है, मंगल लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, मंगल के ऊपर शुभग्रह की दृष्टि है, तो ये भ्रामरी दशा कम अशुभ फल देती है। इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि अगर सारी चीज़ों को आप संतुलित करके फलादेश करेंगे तभी तो आपकी बात सच होगी। अगर सिर्फ एक चीज़ को, एक ग्रह को देख करके और आप कुछ बोलेंगे और उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं करेंगे तो आपकी बात हवा में उड़ जाएगी। या तो आप किसी को डराने के लिए कुछ बोल रहे हैं, अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं ये बता करके कि आपको काल सर्प दोष है, आपको पितर दोष लग गया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, ये बात बोल सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्र मत की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वांगीण अध्ययन करना पड़ेगा। योगिनी दशाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, महादशा का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रहों की अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, खडबल में किस ग्रह के कितने बल हैं, किस नवांश में वो ग्रह है, और भाव चरित कुंडली में वो ग्रह कहाँ पे स्थित है और किस भाव का कारक है वो। इन सब चीज़ों का जब आप एक सूक्ष्मतर अध्ययन करेंगे तब किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ बता पाएंगे। ब्रह्मा की लिखी हुई भाग्य को बताना कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक हो जाता है इस दशा में और व्यक्ति को क्रोध आता है और वाद विवाद में समय बीत जाता है। आप पर भ्रामरी दशा चल रही है तो अपने मन को शांत रखकर ही कोई महत्वपूर्ण काम करें। ये दशा व्यक्ति को भटकाव की स्थिति में रखती है। भ्रामरी दशा चल रही है तो हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्तुओं का दान करें और मंगल का मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम, इस मंत्र का 108 बार 4 सालों तक सुबह नित्य जप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का 4 सालों तक
एक माला जब आप नित्य करते रहेंगे तो भ्रामरी दशा के काफ़ी अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी और हनुमान जी की उपासना बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए तो योगिनी दशा की चौथी दशा यानी भ्रामरी दशा के बारे में आपने जान लिया, अब बात करते हैं योगिनी दशा की पांचवी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन, परिवार, करियर, फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसी है ये योगिनी दशा की पांचवी दशा? अब पांचवी तो मैंने बताया था अच्छी होती है। इसका नाम है भद्रिका, यथा नामो तथा गुण। भद्र माने होता है कल्याण करने वाला, भद्र माने होता है कल्याणकारक, और भद्रिका माने कल्याण करने वाली। ठीक है, तो कल्याण करने वाली भद्रिका दशा को माना जाता है। ये दशा 5 साल की होती है और इसका स्वामी ग्रह बुध है जो शुभ ग्रह है। जिन लोगों का जन्म भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भद्रिका होती है। बुध का प्रभाव हमेशा शुभ ही होता है। बुध का प्रभाव तब अशुभ होता है जब बुध ग्रह अस्त हो जाता है या बुध ग्रह चौथे भाव में निर्बल होकर के निष्फल हो जाता है, तभी बुध का प्रभाव बुरा होता है। या चंद्रमा से छठा आठवां हो जाए बुध, या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती हो जाए बुध, तब अरिष्ट मति भ्रम योग बनता है जो किसी भी जातक के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसा आदमी बात बात में हाइपर हो जाता है, ऐसा आदमी बात बात में उत्तेजना में आ जाता है, ऐसा आदमी मानसिक विक्षोभ की स्थिति में आ जाता है। तो बुध शुभ ग्रह है, प्रायः ठीक होता है, लेकिन अस्त होने पर या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती होने पर और किसी पापक ग्रह की दृष्टि युति में होने पर इसका फल बुरा भी होता है। तो अगर आपकी भद्रिका की दशा चल रही है और उस समय आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है तो आप मानिए कि आपके लिए जैसे किसी ने सड़क पर फूल बिछाया है उस पर आप चलेंगे। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह की दशा चल रही है, जैसे राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और भद्रिका की दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ कष्ट और कुछ सुख दोनों के मिश्रित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। इस दशा में परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार एकजुट रहता है, व्यक्ति सूझबूझ बढ़ती है और गलत सही की समझ रहती है, अध्यात्म की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव होता है। इसी महादशा में देखा गया है कि लोग भगवत भक्ति की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ऐसे लोग इसी समय में साधु संगत करते हैं, सत्संग के महात्म को समझते हैं और स्वाध्याय करते हैं। प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए और अच्छे संपर्क बनते हैं जिससे करियर में लाभ मिलता है। बुध ग्रह वाणी का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक है, वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जो लोग गायन के क्षेत्र में या जो लोग संगीत आदि के क्षेत्र में हैं उनकी अगर भद्रिका की दशा चले तो इन 5 सालों में इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम भी व्यक्ति दूसरों से आसानी से करवा लेता है। भद्रिका दशा में व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता रखता है क्योंकि उसका जो पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो उसके साथ बना रहता है। शरीर में बुध ग्रह जो है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में बुध शुभ नहीं है तो इस दशा में व्यक्ति को पेट, गला या नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, त्वचा रोग और अनिद्रा और मनोवैज्ञानिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आप पर भद्रिका की दशा है तो हरी वस्तुएं या सोने का दान करना चाहिए, हर बुधवार का व्रत रखना चाहिए, विष्णु सहस्र नामावली और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। बुधवार को तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन शराब, अंडा या तामसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की छठी दशा के बारे में और इस दशा का आपके जीवन, परिवार, सेहत, करियर और साथ ही फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की छठी दशा। छठी दशा, योगिनी दशा मैंने पहले आपको बताया था ना कि 2, 4, 6, 8 ये योगिनियाँ खराब हैं, तो इसका नाम है उल्का। अब उल्का से आप समझ लीजिए, उल्का का नाम ही जो है ये विपरीत है। इसकी अवधि 6 वर्षों की होती है और इसके स्वामी सीधे सीधे शनिदेव हैं। जिन लोगों का जन्म कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा उल्का होती है। उल्का एक अशुभ दशा मानी जाती है, उल्का योगिनी अशुभ है और खास करके अगर पापक ग्रह के साथ इसकी दशा हो जाए तब तो आदमी को छठी का दूध याद करा देती है। लेकिन हाँ, शुभ ग्रह की दशा के साथ यदि उल्का हो तो थोड़े से शुभ फल में न्यूनता आ जाती है। शनि की छाया के कारण उल्का दशा को संघर्ष और चुनौतियों से पूर्ण दशा माना जाता है। उल्का दशा में व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जितने दुर्गुण हैं सब बढ़ जाते हैं और व्यक्ति का आभा मंडल नकारात्मक हो जाता है। व्यक्ति बदनामी का शिकार हो जाता है, अच्छे लोगों की नज़रों में गिर जाता है और निकृष्ट कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति केवल समाज का द्रोही नहीं होता है, परिवार का भी द्रोही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पापक ग्रह होने के कारण शनि असमंजस की स्थिति बनाए रखता है और इस योगिनी दशा का मन पर बहुत प्रभाव होता है। और मन का जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो सत, एक तो असत। यहाँ इसका जो असर होता है ना वो दुर्वासना युक्त होता है मन पर असर। मन से बड़ा शत्रु मनुष्य का कोई नहीं है। अगर आप किसी इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं तो ये आपके दिमाग की केवल गलतफहमी हो सकती है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई आपका है तो आपका मन है। आपका मन चोरी करवाता है, आपका मन हत्या करवाता है, आपका मन व्यभिचार करवाता है, आपका मन ही आपको मांस खिलाता है, आपका मन ही आपको शराब पिलाता है, आपका मन ही आपको जुआ खिलाता है, आपका मन ही आपको सट्टा और मतलब कि गलत कार्यों में लगाता है और आपका मन ही आपसे चोरी करवाता है। ये मन ही है जो सभी कार्यों के लिए आपको उकसाता है। तो व्यक्ति को बाहर दुश्मन देखने की क्या जरूरत है जब शरीर में इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। और ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये ऐसे 6 मतलब कि महारथी हैं जो पूरे शरीर को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। जीभ डिमांड करेगी कि आज ये खाने का मन है, कान डिमांड करेगा कि आज ये सुनने का मन है, आंख डिमांड करेगी कि आज ये देखने का मन है। क्या है भैया ये सब? ये आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के अधीन हो गए हैं, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो गई है। और खास करके उल्का दशा में ये ज्यादा होता है जिससे धन और मान सम्मान का नाश हो जाता है और उसको रोका नहीं जा सकता है। उल्का दशा का संबंध अग्नि से भी है। ऐसे में ये दशा दुर्घटनाओं को बढ़ाता है। उल्का दशा में लोगों के घरों में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, आग से परेशानी होती है, व्यक्ति के पैरों में कष्ट हो जाता है, व्यक्ति के पैरों का बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, दांत में तकलीफ होती है, अग्नि से कष्ट, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। शनि आयु का कारक भी है। ऐसे में अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो उल्का दशा का प्रभाव अशुभ ही होता है। देखिए, मैं इसका उपाय तो यह बताऊंगा कि उल्का दशा आने पर शनिवार को जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, शनिवार को काले तिल, छाता, काले कपड़े, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और आपको किसी भागवतिक व्यक्ति का, किसी साधु संत, किसी सज्जन व्यक्ति का संग साथ कर लेना चाहिए
और उसकी बातों को मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी बुराइयों को उससे बता देना चाहिए। उसके बात आपके लिए ब्रह्मवाक्य बन जाएंगे और आप बुरे कार्यों पर जाने से रुक जाएंगे। देखिए, मनुष्य जो है ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, ये पशु पंछी जीव 83,99,999 योनियाँ ये प्रारब्ध के अधीन हैं, लेकिन मनुष्य के पास चूंकि विवेक और बुद्धि होती है इसलिए मनुष्य चाहे तो अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, इसका ये सबसे ठोस उदाहरण है। मार्कंडेय जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के आदेश से शिवलिंग पकड़ने के कारण उनकी आयु 5,000 वर्षों की हो गई। तो कहने का मतलब है कि इस मृत्युलोक में आप भी उत्तम आचरण करके, भगवान का भजन संकीर्तन करके, भगवान में अपने आप को समर्पित करके, राग द्वेष से रहित रह करके, अगर सुख दुख को भोगने के लिए आप तैयार हो जाएं तो आपके भी दुर्योग को मिटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भगवत परायण होना पड़ेगा, ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी। जो आपके अंदर मैं है, इस मैं को ख़त्म करना पड़ेगा। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई ड्यूटी। अरे क्या है, अब पूछो ना, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक। अच्छा, दूसरा कब करोगे? नहीं करूँगा। क्यों? एक की इतनी महंगाई में तो खर्चा नहीं आ रहा है, तो दूसरे का कौन करेगा? अच्छा, तुम कल जियोगे, इसकी गारंटी है? कोरोना में आदमी खटमल की तरह मर रहे थे, कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारे एक बच्चे का कौन परवरिश करेगा? कोई जवाब नहीं। तो अगर दो हो जाएंगे तो अपनी भाग्य लेकर आएंगे। तो इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है। सब ये सोच रहे हैं ना, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, पैसे के पीछे ऐसे दीवाने हुए हैं कि जैसे सब लेकर जाएंगे, माचिस की तीली भी नहीं जाएगी बच्चों साथ में, एक माचिस की तीली भी आप नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए तिल तिल करके जो जोड़ रहे हो ना, वो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए सोच लीजिए, भगवान गिरी करना बंद करिए, मैं मेरी की भावना खत्म करिए। हाँ, जो करेगा ईश्वर करेगा, जो चाहेंगे प्रभु करेंगे, आप केवल कार्य करिए, आप अपने काम को करके भगवान को समर्पित कर दीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चले, तो योगिनी दशा की 6 दशाओं के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब बाकी बची 2 दशाओं के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहेगा काल।